सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ साथ हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं जी। इस पिक एंड चूज नहीं होगा, जो भी होगा नियम और नीतियों के तहत होगा, आप उसका पालन करिए, सरकार आपको उस प्रकार की इंसेंटिव देगी, सरकार उस प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे। और उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया केंद्र बिंदु बना, निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बना। आज उसका परिणाम है कि हमने परंपरागत उद्यम को यहाँ पर पुनर्स्थापित किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा कोविड 19 के दौरान की है, इस आत्मनिर्भर भारत की पृष्ठभूमि में परंपरागत उद्यम है, वोकल फॉर लोकल जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना यूपी के अंदर लागू की, जो आज देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में है। इसने हमारे एक्सपोर्ट को 38% बढ़ाया, इसने उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को, जो किसी भी भारी निवेश के लिए, बड़े निवेश के लिए एक आधार भूमि तैयार करता है, वह क्लस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था लेकिन मृत प्राय सा हो गया था। हमने उसकी ब्रांडिंग की, हमने उसकी मार्केटिंग के लिए व्यवस्था की, हमने उसको नई डिजाइन के साथ जोड़ा, हमने उसको प्रमोट करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक नया हब उसके माध्यम से बन रहा है। उत्तर प्रदेश में आज उससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, कोरोना कालखंड में 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आए जी, इन 40 के 40 लाख लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में अंदर रोजगार दे दिया, कोई समस्या नहीं हुई। लोग घबराते थे क्या होगा, मैंने कहा 40 नहीं, हमारे पास 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की संभावना हम देंगे, ये हमारे लोग हैं, इनकी ऊर्जा का उपयोग हम उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे। और आज उसका परिणाम है, आपने देखा होगा माइग्रेंट लेबर जो एक बार वापस यूपी में आया, वापस नहीं गया, वो यूपी में रह रहा है, बहुत अच्छे ढंग से अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में काम कर रहा है, क्योंकि ओडीएपी योजना ने उसको रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया, हमने बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं के साथ उसको जोड़ दिया, वो रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर एक स्तर पर उसके सामने संभावनाएं बनी। हमने ओडीओपी योजना को आगे बढ़ाया, हमने नए निवेश के लिए उस प्रकार का वातावरण पैदा किया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर उसमें भी उत्तर प्रदेश आया, और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल भी उत्तर प्रदेश के अंदर बिछाने की जो तैयारी हुई, जिसमें एक्सप्रेसवेज का है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का है, एयर कनेक्टिविटी का है, मेट्रो का है, ये सभी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बने, जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा निवेश भी आ रहा है और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।